कुछ रहस्य जो हमेशा एक राज बनकर रह जाती है। जैसे एक घटना जो 21 साल की स्टूडेंट के साथ सेसिल होटल में हुई थी, जो होटल के अंदर तो जिंदा गई थी लेकिन बाहर अपनी मौत के साथ सैकड़ों सवाल लेकर वापस आई। लोगों का कहना है कि वो होटल शापित है। सेसिल होटल 1924 में बनाया गया था। तब से आज तक उस होटल में कई हादसे हुए, जैसे लोगों को अपने रूम में खिड़कियों से कूदकर सुसाइड कर लेना। लोगों का रहस्यमय रूप से गायब हो जाना। कुछ 20 साल पहले एक सीरियल किलर जिसका नाम रिचर्ड रैमिरर था, उसने अपने रूम में 13 लोगों का मर्डर किया था। आजकल ना किसी को टैलेंट की कदर ही नहीं है, लेकिन प्लेयर स्पॉट करता है टैलेंट की वैल्यू। अपने टैलेंट से आप प्लेयर स्पॉट पे 50 लाख तक की विनिंग कर सकते हो, वो भी डेली। प्लेयर स्पॉट पर 15 से भी ज्यादा गेम्स है, जैसे लूडो, स्नेक्स एंड लैडर्स, चेस, शिप फाइट वगैरह। मतलब सोचो, लूडो जैसे और भी कई स्किल कैजुअल गेम्स खेलकर लाखों की विनिंग कर सकते हैं। अब आप पूछोगे प्लेयर स्पॉट ही क्यों? वेल, प्लेयर स्पॉट पे है 1.5 करोड़ यूजर्स। प्लेयर स्पॉट सेफ एंड सिक्योर एप्लीकेशन होने के साथ साथ यहाँ इजी विड्रॉल भी होते हैं, मतलब विनिंग अमाउंट डायरेक्टली आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। मजे की बात तो यह है कि स्कैरीफ्लिक के लिंक से डाउनलोड करने पे और हमारे रेफरल कोड PLAYS200 यूज करने पे आपको मिलेगा 200 रुपीस का साइनअप बोनस। अब यहाँ वहाँ अपने टैलेंट को वेस्ट मत करो, सीधा डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक से ऐप डाउनलोड करो और लाखों की विनिंग करके करो अपने टैलेंट का प्रदर्शन, क्योंकि बस प्लेयर स्पॉट पे टैलेंट की मिले वैल्यू। 19 फरवरी 2013, होटल के रिसेप्शन पे एक के बाद एक कॉल्स आ रहे थे और सबकी एक ही कंप्लेंट थी कि उनके रूम में साफ पानी नहीं आ रहा है। सैम जो होटल स्टाफ में था, वाटर टैंक्स चेक करने टेरेस पे गया। उसने देखा कि एक वाटर टैंक का लीड खुला पड़ा था। जब वो उस टैंक के पास पहुंचा और उसने अंदर जो देखा, वो देख उसकी सांसें जैसे रुक सी गई। एक लड़की की लाश पानी के ऊपर तैर रही थी। उस लड़की का नाम था एलिसा लैम। किसी को नहीं पता कि वो टेरेस पर कैसे आई, क्योंकि वहां सिर्फ स्टाफ ही जा सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि उसे स्टाफ में से ही किसी ने जान से मारा, और कुछ का कहना है कि रिचर्ड रैमिरर, वही सीरियल किलर जिसने सिसिल होटल में 13 मर्डर्स किए थे, उसी ने एलिसा लैम को मारकर उसकी बॉडी टैंक में फेंक दी। उस रात जब वो लापता हुई, उससे पहले उसे आखिरी बार लिफ्ट के सीसीटीवी कैमरे में देखा गया था। वो काफी अजीब बिहेव कर रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से छुप रही हो। पर कुछ देर बाद उसने किसी को कॉरिडोर में देखा और उसके पीछे चली गई। कुछ लोगों का कहना है कि वो एलिवेटर गेम खेल रही थी। एलिवेटर गेम कोरिया का एक अर्बन लीजेंड गेम है। जो कोई इस रिचुअल को परफॉर्म करता है, माना जाता है कि वो एक डिफरेंट वर्ल्ड, दूसरी दुनिया में चला जाता है। जिन लोगों ने इस गेम को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, उनका कहना है कि सब कुछ पहले की तरह ही हो जाता है, बस लास्ट फ्लोर पे पूरी तरह अंधेरा होता है और उन्हें एक रेड क्रॉस कुछ दूरी पे दिखाई देता है। जॉन को एक मीटिंग के चलते काफी देर हो गई, तो उसने आज की रात सिसिल होटल में ही गुजारना सही समझा। उसने रिसेप्शनिस्ट के पास से अपने रूम की कीज ली और एलिवेटर की ओर जाने लगा। जॉन ने देखा कि बिली उसे कॉल कर रहा है। जॉन ने कॉल रिसीव किया। हे बिली, मैं तुझे ही कॉल करने वाला था। सॉरी यार, आज डिनर का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा, मैं नहीं आ पाऊंगा। जॉन ने बिली को बताया कि उसे लेट हो गया है और वो उसी सिसिल होटल में एक रूम बुक करके यही रुकेगा। अब वही हॉन्टेड होटल? तू सिसिल होटल में रुका है क्या? बिली ने एक्साइटेड टोन में जॉन से पूछा।
ओह व्हाट नॉनसेंस, तू भी इन सब बातों में बिलीव करने लग गया क्या? जॉन ने बिली से फ्रस्ट्रेटेड आवाज में कहा। भाई तुझे नहीं पता पर वो होटल सच में हॉन्टेड है। वैसे तू किस फ्लोर पे रुका है? बिली ने पूछा। 13 फ्लोर पे। क्यों? जॉन ने क्यूरियस टोन में पूछा। ओ अच्छा, चल फिर एलिवेटर गेम खेलते हैं। इस गेम के लिए एटलीस्ट 10 फ्लोर्स की बिल्डिंग होनी चाहिए और तू अकेला भी है, सो इस गेम के लिए सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही है, बिली ने एक्साइटेड होते हुए कहा। जैक काफी थक चुका था और उसे अभी कोई गेम नहीं खेलना था, पर बिली के बार बार इंसिस्ट करने पर वो गेम खेलने के लिए मान गया। अच्छा मैं एलिवेटर में आ गया हूं, अब मुझे क्या करना होगा? जॉन ने बिली से पूछा। पहले फर्स्ट फ्लोर के बटन प्रेस कर और जब फ्लोर पे पहुंच जाएगा तब लिफ्ट का डोर ओपन होने तक वेट कर, बिली ने बताया। जॉन ने फर्स्ट फ्लोर की बटन प्रेस करी और वो फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच गया। एलिवेटर का डोर ओपन होते ही बिली ने कहा, अब ऐसा कर फोर्थ फ्लोर की बटन प्रेस कर और फोर्थ फ्लोर पे पहुंचने के बाद लिफ्ट से बाहर मत निकलना और सेकंड फ्लोर की बटन प्रेस करना। जॉन ने वही किया, उसने फोर्थ फ्लोर की बटन प्रेस की और जब लिफ्ट चौथे फ्लोर पे पहुंच गई तो बिना बाहर निकले उसने सेकंड फ्लोर की बटन प्रेस करी। सेकंड फ्लोर पे पहुंचने के बाद अब सिक्स फ्लोर की बटन प्रेस कर, बिली ने बताया। जॉन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बिली उसे क्या करने के लिए कह रहा है, वो बस अपने रूम में जाकर एक चैन की नींद लेना चाहता था। मैं सिक्स फ्लोर पे पहुंच चुका हूं, अब क्या करना है मुझे? क्या अब मैं बाहर निकल सकता हूं? जॉन ने फ्रस्ट्रेट होते हुए बिली से पूछा। नहीं अभी नहीं, अब फिर से एक बार सेकंड फ्लोर के बटन प्रेस कर और जब सेकंड फ्लोर पर पहुंच जाएगा तब 10th फ्लोर की बटन प्रेस करना, बिली ने कहा। जॉन ने सेकंड फ्लोर की बटन प्रेस करी और सेकंड फ्लोर पे पहुंचते ही उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे एक ठंडी हवा का झोंका उसे छूता हुआ निकल गया, पर जॉन ने बिना ज्यादा सोचे 10th फ्लोर की बटन प्रेस करी और एलिवेटर का 10th फ्लोर पहुंचने का वेट करने लगा। अब लास्ट 3 स्टेप बचे हैं। जब 10th फ्लोर का डोर ओपन होगा एक लास्ट बार 5th फ्लोर की बटन तुझे प्रेस करनी है और फिर फर्स्ट फ्लोर की, बिली ने जॉन को बताया। अच्छा और उसके बाद फिर क्या मैं अपने रूम में सोने जा सकता हूँ? जॉन ने फ्रस्ट्रेट होकर कहा। नहीं, 5th फ्लोर का डोर ओपन होते ही तुझे तेरे सामने एक औरत नजर आएगी, उसे गलती से भी ना तो देखना और ना ही उससे बात करना। अगर उससे तूने बात की तो वो तुझे अपने साथ ले जाएगी। तुझे बस फर्स्ट फ्लोर की बटन प्रेस करनी है और अगर लिफ्ट फर्स्ट फ्लोर की जगह 10th फ्लोर से ऊपर जाने लगे तो समझना कि तूने एलिवेटर गेम रिचुअल कंप्लीट कर लिया है और तू एक दूसरी दुनिया में पहुंच चुका है जहां बस तू अकेला होगा, बिली ने जॉन को एक्साइटेड होते हुए बताया। जॉन 10th फ्लोर पर पहुंच गया और जैसे ही डोर ओपन हुआ उसने 5th फ्लोर की बटन प्रेस कर दी। मैं 5th फ्लोर पे जा रहा हूं, जॉन ने बिली से कहा। बिली ने जॉन को फिर से समझाते हुए कहा कि अगर उसे वो औरत दिखती है तो उसकी आंखों में ना देखे और उससे बात ना करे। जॉन डिसअपॉइंटेड और थका फील कर रहा था, उसे इस गेम में कोई इंटरेस्ट नहीं था। एलिवेटर धीरे धीरे 5th फ्लोर पे आ रही थी और जैसे 5th फ्लोर पे एलिवेटर का डोर ओपन हुआ जॉन ने देखा कि उस फ्लोर पे सारी लाइट्स ऑफ है और पूरी तरफ बस अंधेरा है। उसकी नजर उसके सामने एक डोर पर गई जिसके बाहर एक छोटा सा टेडी बेयर रखा हुआ था। जॉन ने ध्यान से देखा तो उसने नोटिस किया कि उस टेडी बेयर पर खून के लाल धब्बे लगे हुए थे। जॉन ने एलिवेटर के अंदर से ही बिली को सब कुछ बताया जो उसे दिखाई दे रहा था। बिली ने उससे उस औरत के बारे में पूछा पर वो औरत जॉन को कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। ठीक है, अब फर्स्ट फ्लोर की बटन प्रेस कर, बिली ने जॉन से कहा। जॉन ने घबराते हुए फर्स्ट फ्लोर की बटन प्रेस करी, लिफ्ट का डोर बंद होने लगा। ओह
वो वही थी, वो औरत फिफ्थ फ्लोर पर थी, मैंने उसे देखा, जॉन ने बिली को डर से घबराते हुए कहा। बिली ने उसे एलिवेटर की स्क्रीन की ओर देखने के लिए कहा और उससे पूछा कि लिप फर्स्ट फ्लोर पर आ रही है या ऊपर की ओर जा रही है। जॉन ने जब एलिवेटर की स्क्रीन की ओर देखा तो उसकी सांसें जैसे थम सी गई। उसने नोटिस किया कि एलिवेटर की स्क्रीन पर नंबर्स अपने आप चेंज होते जा रहे थे, उसी के साथ एलिवेटर की लाइट्स बंद चालू होने लगी। जॉन काफी डर चुका था, वो बिली को सब बताने लगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं इस लिफ्ट से बाहर कैसे निकलूं? मुझे ये गेम कंटिन्यू नहीं करना है, प्लीज बिली, प्लीज मेरी हेल्प कर, जॉन ने डरते हुए बिली से कहा। जॉन तेरी आवाज, हेलो जॉन, तू सारे बैकवर्ड्स बैकवर्ड सारे फ्लोर्स प्रेस कर, हेलो जॉन सारे फ्लोर्स बैकवर्ड्स। बिली का फोन डिस्कनेक्ट हो गया। जॉन डरा सहमा उस एलिवेटर के रुकने का वेट करने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है, कोई लंबी लंबी सांसें ले रहा है। उसकी गर्दन पर वो ठंडी सांसें उसे फील हो रही थी। पूरे लिफ्ट में एक ठंड सी बढ़ने लगी। जॉन की हिम्मत नहीं हुई कि वो पीछे पलट कर देखे, वो बस डर से कांप रहा था और एलिवेटर की सारी बटन्स प्रेस कर रहा था कि बस कैसे भी ये एलिवेटर रुक जाए। अचानक एलिवेटर का डोर ओपन हुआ। जॉन भागते हुए एलिवेटर से बाहर आ गया और पीछे पलट कर देखा तो पाया कि एलिवेटर पूरी तरह से खाली था। जॉन ने आसपास देखा तो पाया कि वो जिस फ्लोर पर है उस पे कोई नंबर्स नहीं है, पूरे फ्लोर पे अंधेरा है और वो अकेला एक कॉर्नर पे खड़ा है। जॉन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी उसने देखा कि फ्लोर के आखिरी डोर के सामने एक औरत खड़ी है। उस औरत को देख जॉन की सांसें जैसे रुक रुक कर चलने लगी। उसने अपनी एक पलक झपकाई ही थी कि वो औरत धीरे धीरे उसकी ओर आने लगी। जॉन के पैर जैसे उस जगह धस से गए थे, वो चाह के भी वहां से हिल नहीं पा रहा था। तभी उसने सुना कि पूरे फ्लोर पे एक औरत की रोने की आवाज गूंजने लगी। जैसे जैसे वो औरत जॉन की ओर आ रही थी उसके रोने की आवाज भी बढ़ने लगी। जॉन ने हिम्मत जुटाई और भागते हुए एलिवेटर के अंदर चला गया। वो सारे फ्लोर्स की बटन प्रेस करने लगा। उस औरत के रोने की आवाज धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और तभी अचानक से पूरी ओर एक सन्नाटा सा हो गया। एलिवेटर का डोर ग्राउंड फ्लोर पर खुला और बाहर खड़े रिसेप्शनिस्ट ने देखा कि एलिवेटर पूरी तरह से खाली थी। बस फ्लोर पे एक टेडी बेयर पड़ा हुआ था जिस पर खून लगा हुआ था। जॉन के साथ क्या हुआ वो कहा गया, ये मिस्ट्री आज तक सॉल्व नहीं हुई। बिली आज भी जॉन के लापता होने के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है।
अगर आपको नेक्स्ट स्टोरी संडे से पहले चाहिए तो अभी जल्द से जल्द लाइक कीजिए। एम करते हैं 10,000 लाइक्स के लिए। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, सो दैट आप हमारी वीकली स्टोरीज मिस ना करें।